पानी की अत्यंत कमी पिछले 15 दिन से महसूस हो रहे, क्योंकि पिछले 25-26 की स्थायी वार्ता तंत्र बैठक में हमने मंडल प्रबंधक महोदय के सामने बात रखी, तब हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल के तत्वाधान में कि रेल विभाग को जो पानी की अत्यंत कमी जो महसूस हो रहे, यानी कारखाना हो, रेल अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो या मदार डिपो हो, मंडल कार्यालय हो, विशेष तौर पर रेलवे कॉलोनियों में पानी की अत्यंत कमी पिछले 15 दिन से महसूस हो रहे, क्योंकि पिछले 25-26 की स्थायी वार्ता तंत्र बैठक में हमने मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सामने बात रखी, तब हमारा संज्ञान में आया प्रतिदिन एक्चुअली इन तमाम इवन पैसेंजर अमेनिटीज़ और रेलवे कॉलोनी सहित तमाम कार्यालयों का आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रतिदिन 26 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। उसका तुलना में केवल 9 से 10 लाख लीटर ही पानी पिछले 15 दिन से पीएचडी विभाग द्वारा रेलवे को दिया जा रहा है, इससे कारण इतनी तराय तरह मचरी हुई है। तो इस बात हमारा संज्ञान में आने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ एक RPSC चौराहे से जुलूस निकालकर माननीय कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन दिया, जिससे तहत हमने उनसे अनुरोध किया कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए, इंटरवीन कीजिए, रेल विभाग को रेल चलाने के लिए पानी का उपलब्धता सुनिश्चित करें। किस तरह का आश्वासन? तो उन्होंने कार्रवाई की आश्वासन दिया है, देखते आने वाला दिनों में कितना पानी मिलता है। लगभग मैंने बताया था ना, जैसे 9 से 10 लाख लीटर अभी पिछले 15 दिन से प्रतिदिन मिल रहे, हमें रिक्वायरमेंट है 26 लाख लीटर प्रतिदिन की, 1/3 ही मिल रहे हैं। तो